पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में
दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी
और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं
यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।
दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज,
जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और
फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर,
निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पाराज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पाराज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पाराज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं
और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरड़ की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरड़ की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज
और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पाराज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पाराज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है
और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में,
इसी के साथ आप इस मूवी को कहाँ से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहाँ से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली
भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज,
जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में यह मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में यह मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा पुष्पाराज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल
फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर,
निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में यह मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी, जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में यह मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुईया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी, जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं
और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखा गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखा गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज
और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप यूट्यूब के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है
और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फसल फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा, पुष्पा राज, जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में।
इसी के साथ आप इस मूवी को कहाँ से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली
भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था। और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला, यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज
जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेर की और वाई रवि शंकर, निर्देशन सुकुमार ने किया था, लेखक भी सुकुमार थे। अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। इसी के साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छा डेब्यू भी देखी गया है और लागत इस फिल्म की 205 करोड़ थी और कुल कारोबार 398 करोड़ का हुआ था और यह जो प्रदर्शन हुआ था सबसे पहला यह 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई थी। पुष्पा राज जो कि अल्लू अर्जुन की सबसे मस्त डायलॉग आपने सुना होगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, यह फिल्म के महत्वपूर्ण डायलॉगों में से एक है। दोस्तों इस मूवी को आप YouTube के प्रीमियर से देख सकते हैं, वहीं से आप इस मूवी को देख सकते हैं और एक अच्छी इंजॉय कर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित की गई 2021 की भारतीय तेलुगु और एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मैं आपको बताऊंगा रिव्यू और फैक्ट के बारे में, इसी के साथ आप इस मूवी को कहां से देख सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और
फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में टाइटेनिक चरित्र के रूप में ये मुख्य रूप से दिखाया गया है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और रमा रमेश भी सहायक भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म थी जिसने कि 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके डायरेक्टर जो हैं वह नवीन येनेरकी और वाई रविशंकर।